हे गाइस, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। एमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अग्निपथ योजना पर इतना संग्राम क्यों, क्यों छात्र इस पर इतना बवाल कर रहे हैं। गाइस, जब से अग्निपथ योजना सरकार द्वारा घोषणा की गई है, इस पर लगातार हंगामा होने की खबर आ रही है। हम चाहे बिहार देखें, यूपी, राजस्थान से, इसमें छात्रों के विरोध की खबर लगातार हमारे पास आ रही है। बड़े पैमाने पर छात्र आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं और उनका ये मानना है कि 4 साल की आर्मी ज्वाइन करने की घोषणा उनके लिए सरकार द्वारा जो की जा रही है, यह कतई सही नहीं है। पहले की ही भर्ती योजना को बहाल रहना चाहिए। आइए, इस वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ मिथ्य और कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए, इससे जुड़ा हम पहला मिथ्य जानेंगे और जानेंगे कि क्यों इस पर इतना बवाल मच रहा है। तो पहला मिथ्य आपके सामने है गाइस, ये ऐसा मिथ्य है जो लगातार युवाओं को जब से घोषणा की गई है लगातार परेशान करता जा रहा है कि 4 साल बाद हमारे अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या होगा उनका 4 साल बाद? तो जबकि तथ्य ये है कि नौकरी के लिए इच्छुक युवाओं को पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे BSF, CRPF, CISF, SSB और असम राइफल में 10% आरक्षित जगह मिलेंगी और इसके साथ साथ स्टेट पुलिस में भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। सेकेंड तथ्य ये है कि पढ़ाई के लिए इच्छुक युवाओं को 12वीं क्लास सर्टिफिकेट और आगे की पढ़ाई के लिए अपनी पसंद का ब्रिजिंग कोर्स करने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होगी। तीसरा, बिजनेस के लिए इच्छुक युवाओं को वित्तीय पैकेज और बैंक लोन की सुविधा भी मिलेगी। और फोर्थ, अन्य सेक्टर्स में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा मिथ्य है कि रेजिमेंट व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या वाकई में ऐसा है? आइए इससे जुड़े तथ्य के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो तथ्य ये कहता है कि रेजिमेंट व्यवस्था को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चयन यूनिट की एकजुटता को बढ़ावा देगा। तीसरा मिथ्य, अग्निवीर आतंकवादियों से मिलकर समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। 4 साल बाद जब अग्निवीर जब रिटायर होकर वापस आएंगे तो आतंकवादियों से सेना की जानकारी को साझा कर सकते हैं और हमारे समाज के लिए एक खतरा हो सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा होगा? आइए देखते हैं इससे जुड़े तथ्य। गाइस, सेवा चाहे 4 साल की हो या 4 दिन की या 4 वर्ष की या फिर 4 जीवन की, हमारा हर जवान जीवन भर देश के प्रति प्रतिबद्ध है। तो इसलिए इस मिथ्य को तो हम बिल्कुल एक सिरे से खारिज करते हैं। समाज में हमारे रिटायर्ड फौजी जवान, रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं और देश सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। तो ये 3 मिथ्य ऐसे हैं जो लगातार हमारे समाज में फैल रहे हैं और इनकी वजह से ही हमारे जो छात्र हैं वो उग्र हो रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं। तो इससे हमने जुड़े तथ्य आपको यहाँ पर बताए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।